वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप की तीव्रता 4.6 रिएक्टर मापी गई। बैकुंठपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की वजह से चर्चा अंडरग्राउंड कोल माइंस में गोफ गिर गया। वहीं भागते समय दो मजदूर घायल हो गए। दोनों मजदूरों को बिलासपुर स्थित अपोलो हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान भूकंप के झटके महसूस किए गए उस समय माइंस में एक दर्जन से ज़्यादा श्रमिक काम कर रहे थे। इसी पूरे मामले पर सीएम ने जानकारी देते हुए घायल दो कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। पिछली रात जो बैकुंठपुर एरिया के आसपास भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.6 आंकी गई, उसका प्रभाव क्षेत्र की भूमिगत खदान की खनन गतिविधियों पर भी पड़ा। बताना चाहेंगे कि चर्चा और जो भूमिगत खदान है, जहां पे कि मैनुअल नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूस माइनर मशीन के जरिए कोयला निकाला जाता है, वहां पे भूकंप के प्रभाव से रात में लगभग 1 बजे जहां कोयला निकल रहा था वहां से कुछ कोयला भरभराकर गिरा है, जिससे वहां पे पीछे जो खड़े थे हमारे एक ओवरमैन और एक माइनिंग सरदार संजीव कुमार साहब और इंद्रजीत पाल साहब, एक की उम्र 44 वर्ष, दूसरे की उम्र 53 वर्ष, जो कोयला भरभरा कर गिरा तो दोनों लोग डरकर जो है खदान से दौड़कर बाहर आना चाह रहे थे, जिसमें दोनों लोग गिर गए हैं। और दोनों लोग को गिरने से एक को सर में बाई ओर चोट आई है तथा दूसरे को कूल्हे में गर्दन के पास चोट आई है। दोनों लोगों को प्राथमिक चिकित्सा चर्चा